दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि CRM डेटाबेस क्या होता है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और इसका यूज क्या है, क्यों और कैसे कंपनीज ये डेटाबेस तैयार करती है, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, CRM सीरीज की हर वीडियो में एक सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट बात रही है कि कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है वो हर वीडियो में रिपीट होती है कि CRM के अंदर हम इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें कस्टमर की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका टेस्ट और प्रेफरेंसेस, ये सब चीजें होती है। इस इंफॉर्मेशन को सेव करके उसके बेसिस पे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, आखिर यही तो पर्पस है CRM का। चलिए एक क्लिप देख लीजिए। ठंडा खाना, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ फाइव स्टार होटल इज दिस? आई एम सॉरी सर। अरे यार, ठंडा खाना। ऑल राइट, विल यू रिलैक्स? नहीं यार, एक मिनट, यू प्लीज कॉल योर शेफ। सर प्लीज, आई विल। प्लीज जस्ट कॉल द। यस सर, आई एम द शेफ। माय फ्रेंड वाज जस्ट सेइंग ऑसम, दिस बिरयानी इज सुपर्ब। गाइस, इस क्लिप को देखने के बाद कुछ ऐसा वैसा मतलब नहीं निकालना है। इससे ये समझो कि जब कंपनी को पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए या फिर कस्टमर परेशान है तो वो किस चीज से हैप्पी हो जाएगा। अगर कंपनी के पास ये डेटा है तो कस्टमर का कंपनी से सही रिलेशन रहने वाला है। तो कस्टमर की ये सारी इंफॉर्मेशन जो कंपनीज कलेक्ट करती हैं एंड स्टोर करती है, उसे CRM डेटाबेस कहा जाता है। CRM डेटाबेस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक टूल है, जिसमें कस्टमर के साथ कंपनी से रिलेटेड इंटरेक्शन का रिकॉर्ड जो होता है वो सेव होता है। तो क्या क्या सेव होता है CRM डेटाबेस के अंदर, आइए जानते हैं। एक CRM डेटाबेस में कस्टमर से रिलेटेड हर तरह का डेटा सेव होता है, जैसे कस्टमर का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, टाइटल, ईमेल एड्रेस, सोशल प्रोफाइल्स, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एंड परचेज रिकॉर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सब सेव की जाती है। इसके अलावा जो भी इंटरेक्शन चैट्स होती हैं कस्टमर और कंपनी के बीच में, उस इंफॉर्मेशन को सेव किया जाता है। अगर कस्टमर की पास्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना हो तो नेक्स्ट टाइम चांसेस हैं कि हम उस कस्टमर को लूज कर सकते हैं। चलिए एक क्लिप देख लीजिए। ये आदमी को कैसे ये जादूगर कबूतर बना के आप रगड़े ब्रो, गिल गिल फू। हाय, तो बच्चा बूढ़ा जवान आदमी औरत फिर से इसी कबूतर को आदमी बनाएगा। समझे, कस्टमर गया तो गया। आइए अब जानते हैं कि CRM डेटाबेस को बिल्ड करने में कोर एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, CRM किसी भी कंपनी के लिए पावरफुल साबित होता है, लेकिन इसका इंपैक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका यूज किस वे में किया जा रहा है। CRM डेटाबेस का यूज पीपल मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग ऑटोमेशन, रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, इन चीजों में यूज किया जाता है। ये सब CRM डेटाबेस के कोर एलिमेंट्स भी हैं। बाकी सारे कोर एलिमेंट्स तो नाम से ही समझ में आ रहे हैं। रही बात लीड मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन की, तो इनको भी पहले वाली CRM की वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, पर जो लोग नए हैं उनको फटाफट से बता देता हूँ। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये दोबारा क्यों बता रहा है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो देखो, लीड मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, उस डेटाबेस की हेल्प से नए कस्टमर्स एंड बिजनेसेस को अप्रोच करना। लीड मतलब होता है कि जैसे हमारे पास जो पोटेंशियल कस्टमर आया, जो भी नया बंदा आया या फिर उसके रेफरेंस से कोई आया, उसे लीड बोला जाता है। अब उसकी जो मैनेजमेंट करनी है, यानी उसका जो फर्दर प्रोसेसिंग है, उसको अपने कस्टमर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो सब स्टेजेस बाद की होती हैं। उससे पहले हमें लीड को मैनेज करना पड़ता है कि उनके साथ क्या क्या बातें हुई, क्या इंटरेक्शन था, यानी उस इंफॉर्मेशन का यूज नए कस्टमर और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टारगेट करने के लिए करना। और मार्केटिंग ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जो डेली के रूटीन टास्क है मार्केटिंग के, वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो सॉफ्टवेयर की हेल्प से। उन टास्क को ह्यूमन के थ्रू नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की हेल्प से परफॉर्म किया जाए। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, आप अगर
कुछ भी ऑनलाइन परचेज करते हैं या ऐप का यूज कर लेते हैं आप किसी कंपनी की, तो आपको ऑटोमेटिकली ऑटो सजेशन मिलने लग जाते हैं। आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको चीज़ें दिखने लग जाती हैं, आपको उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखने लग जाते हैं जो आपने रिसेंटली बाय किया है। चलिए अब समझते हैं कि CRM डेटाबेस का यूज करके कंपनीज कैसे बेनिफिट लेती हैं। CRM डेटाबेस क्रिएट करने के कई सारे फायदे हैं। पहला है पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। किसी भी कंपनी को अपनी मार्केटिंग इफेक्टिव तरीके से करने के लिए ये अच्छे से पता होना चाहिए कि वो अपने किस टाइप के कस्टमर को टारगेट करने वाली है। कंपनी के पास उन कस्टमर की कुछ इन्फॉर्मेशन हो जिससे उनके बारे में कुछ आइडिया लग सके कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। मतलब अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स दोनों को जानना होगा, तभी आपकी मार्केटिंग इफेक्टिव साबित होगी। और इस काम में CRM डेटाबेस आपकी काफ़ी हेल्प करता है। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस का मतलब है कि हर किसी को उसकी रिक्वायरमेंट्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से प्रोडक्ट दिखाना। जैसे ड्रेसिंग सेंस किसी की कैसी होती है, किसी को कुर्ते पजामा अच्छा लगता है, किसी को जीन्स पहनना पसंद होता है, तो इस तरह से जो उनकी प्रेफरेंसेस हैं उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट दिखाना। एग्जांपल के लिए ये क्लिप देख लो। Abracadabra. ऐसे अपने कस्टमर को खुश करना होता है। गाइस जो मैं आपको क्लिप्स दिखा रहा हूँ ना, उसके पीछे एक मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो, उसको लिटरली मत लेना। CRM डेटाबेस का सेकंड बेनिफिट है स्पीडी सेल्स प्रोसेस। CRM डेटाबेस का यूज होने से कंपनी की सेल प्रोसेस में काफी तेजी आ जाती है, क्योंकि सारी प्रोसेस एंड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट हो जाती है। सेल्स डिपार्टमेंट फोकस्ड होके अपना काम कर पाता है, इसलिए कहीं भी प्रोसेस में टाइम वेस्ट नहीं होता, इसलिए सेल्स प्रोसेस में तेजी आ जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट है वन प्लेस फॉर ऑल कस्टमर कम्युनिकेशंस। CRM डेटाबेस की वजह से कस्टमर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह स्टोर रहती है, तो जो भी कंपनी CRM का यूज करती है वो एक क्लिक करके कंपनी की हिस्ट्री में कस्टमर से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन हुआ है उसको एक्सेस कर सकती है, क्योंकि सारे इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन CRM डेटाबेस में स्टोर रहते हैं, तो जब भी नीड हो तो उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है कस्टमर सर्विस बिकम्स इजी। CRM डेटाबेस का यूज करने के बाद कंपनी के लिए कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि अगर कस्टमर कभी भी कॉन्टैक्ट करेगा या उसकी कोई भी कंप्लेन आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम वेस्ट ना हो, CRM डेटाबेस की हेल्प से एक क्लिक से ही उस कस्टमर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है, मतलब जो स्टाफ होता है उसके सामने आ जाती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि आप भी जब कोई कंप्लेंट लेके किसी कंपनी की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वो कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपका नेम, आईडी या मोबाइल नंबर आपसे पूछ के आपसे 2 सेकंड होल्ड करने को बोलता है। इतने में वो एक क्लिक करता है और उसके बाद उस कंपनी से आपकी पिछली सारी इंटरेक्शंस एंड डिटेल्स उसकी स्क्रीन पे आ जाती है। उसके बाद उसके लिए ये बहुत इजी हो जाता है कि आपकी हेल्प करना बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्टिविटी। गाइस ऐसा मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। जैसे रिसेंट में मैंने अमेजोन से एक ऑर्डर लिया था, उसमें कुछ इशू हो गया था, डिलीवरी नहीं हो पाई थी उस प्रोडक्ट की, तो उन्होंने मेरे नंबर पूछा, मेरी डिटेल्स उसे निकाल ली और ऑटोमेटिकली उनके पास सारी डिटेल्स थी कि कब मैंने ऑर्डर किया, वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो वो सब चीज़ें उन्होंने ऑटोमेटिकली ट्रैक करके और मुझे सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दिया। तो मुझे बताना नहीं पड़ा कि ये प्रोडक्ट है, इतना इसका प्राइस था, वो सब, मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो ख़राब हो जाता अगर उनके पास मेरी डिटेल्स नहीं होती, तो मुझे एक एक चीज़ उनको बतानी पड़ती, ये प्रोडक्ट था, इतनी डेट को किया था, ये वो, उनके पास सब कुछ अवेलेबल था। तो ओवरऑल CRM डेटाबेस एक काफ़ी ट्रस्टवर्दी सोर्स है जिसमें कस्टमर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह स्टोर रहती है और इन्फॉर्मेशन कंपनी के हर डिपार्टमेंट से शेयर की जाती है।
गाइस, CRM से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए, आप स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, लाइक करके जरूर मेरे को मोटिवेट करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं CRM से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस इन फ्यूचर में भी लाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।